हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नोएटिकल ऋतुपर्णा। और मैं हूँ ऋतुपर्णा। तो आज मैं ब्लॉग ही लाई हूँ, लेकिन खुद के ऊपर नहीं, मेरी डॉल एंड शोपी के ऊपर। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं मुझे किसी ने बोली थी कि तुम्हारी शोपी एंड डॉल की डेली रूटीन शेयर करो, तो मैं वही कर रही हूँ। तो देखो, तो अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो अभी इन दोनों अभी अभी उठे हैं। देखे, उठ के भी बेड पे ही है, अभी तक नीचे नहीं गया है। हमारा सोफी थोड़ा आलसी है, तो ये सब कुछ लास्ट में करती है। और डॉल सुबह सुबह उठ गई है, और सोफी को देखो कैसे प्यार कर रहा है। तो देखा डॉल कैसे सोफी को प्यार कर रहा है। सोफी उठता नहीं है इतना जल्दी, वो बैठ फिर सोनिन से जागता है, उसके बाद बैठता है फिर उठता है। तो अभी उठ के पापा के पास चला गया। देखो, ये सोफी का डेली का रूटीन है, वो जब भी नींद से उठती है तो ऐसे पापा को करती है। पापा उसको बिस्कुट देगी तो तब वो शांत होगी। तो सॉरी, पापा उसको बिस्कुट देगा तो तब वो शांत होगा। तो अभी ऐसा ही कर रहा है वो। तो अभी उसको बिस्कुट चाहिए, और ये देखो पापा ने उसको बिस्कुट दे रहा है। वो ऐसा ही करता है, पापा के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है बिस्कुट के लिए। तो सुबह सोफी को डॉक्टर ने बोला है, सिर्फ सोफी डॉल दोनों को ही डॉक्टर ने बोला है सिर्फ बिस्कुट खाने के लिए, उन लोगों को और कुछ नहीं देना है सुबह, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था पहले। तो देखो अभी कैसे सोफी टेक कर रहा है। अब देखो, बिस्कुट लेके कभी भी सोफी नीचे खाती नहीं है, वो हमेशा बिस्कुट लेके बिस्तर पर जाती है। लेकिन फिलहाल नीचे बिस्तर था, इसलिए वो बेड पर नहीं आई थी कल। तो देखो, वो कभी भी बिस्कुट लेके नीचे नहीं खाएगी, ये उसका रूल्स है सोफी का। और डॉल को भी बिस्कुट मिल गया, जो अभी दोनों मज़े से खा रहे हैं बिस्कुट। ये इन दोनों रोज डेली का सुबह का रूटीन है इन दोनों का। तो देखो कैसे मज़े ले रहा है सोफी बिस्कुट का। तो हो गया इन दोनों का बिस्कुट खाना, फिर चले आए हैं बेड पर। और देखो सोफी अभी डॉल को कैसे प्यार कर रहा है। इन दोनों का यही चलता है, सुबह से ऐसा भी चलता है। अभी तो सोफी सोया है, तो किसी के ऊपर इसको सोने में बहुत मज़ा आता है। तो देखो कैसे सोया है सोफी। सोफी थोड़ा ज़्यादा पेम्परिंग है, पेम्पर करता है सब उसको, इसलिए वो ऐसा हो गया है। और हमारा सोफी थोड़ा ज़्यादा ही मूडी है, आलसी भी है, कुछ नहीं करती, हमेशा सो ही रहती है। देखो पता है दोनों का कैमरा हो रहा है, अभी खेल रहा था दोनों। मैं यहाँ पे दोनों को बंद कर दिया था, इतना परेशानी कर रहा था तो निकल गया। तो अभी दोनों जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जाने नहीं दे रही हूँ दोनों को। देखो कैसे साइड मांग रहा है मुझसे। तो फाइनली चला गया दोनों अभी बाहर, फिर बदमाशी शुरू। सुबह से दोनों परेशान कर देता है। अभी देखो गुड्डू के पास चला गया, थोड़ा सोचा गुड्डू को कुछ करेगा, लेकिन फाइनली नहीं किया। तो चलो मेरे गुड्डू को भी तुम लोग थोड़ा देख लो। ये देखो मेरी गुड्डू, जो सुबह ये भी खाना पीना खा के अभी बाहर आके बैठी है, नहीं तो ये भी बेड पे रही थी। और इन मीम से आपको देखो कैसे रानी की तरह बैठी है। फिर ये बिस्कुट मांग रहा है, और नहीं अभी तो लंच का टाइम है, तो इसको मेडिसिन दे रहा है। तो मेडिसिन खा के उसको पता है कि दोपहर को उसको पहले मेडिसिन खाना पड़ता है। तो देखो कैसे गुड गर्ल की तरह मेडिसिन खा लेती है। और डॉल को उसका मेडिसिन इतना पसंद है कि डॉल भी खाना चाहती है, तो उसका मुंह से छीन के डॉल खाती है। सो भी मेडिसिन खाने के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं करती, देखो खुद खा लेती है। देखा मेरी सिंह कैसे खा रही है वो, उसको पता है मेरी सिंह नहीं खाएगी तो लंच नहीं मिलेगा, तो इसलिए कि अच्छे के तरह गुड गर्ल की तरह मेडिसिन खा लेती है वो।
और अभी दोनों बैठी है किचन में, पता है उन दोनों का खाना तैयार हो रहा है, तो देखो कैसे बैठी है। जो भी करती है ना पोज दे दे के करती है। तो अभी इन दोनों का खाना तैयार हो रहा है। इन दोनों सिर्फ चिकन स्टू खाते हैं रोज, और फिश फिश नहीं खाते। फिश देते हो तो फिश ही खाते हैं, राइस नहीं खाते। ऐसे भी सोफी ज़्यादा राइस नहीं खाते हैं, वो सिर्फ चिकन के ऊपर ही रहती है। दो अभी लंच के लिए दोनों वेट कर रहा है, बैठ बैठ के सोच रहा है मन ही मन कब मुझे लंच मिलेगा। तो फाइनली सोफी और डॉल का लंच मिल रहा है। हाँ मिलेगा अभी। तो अभी देखो कैसे जा रहा है लंच करने के लिए। तो मिल गया फाइनली दोनों का लंच, और लंच करना भी दोनों स्टार्ट कर दिया। मैडम को लंच के बाद बहुत ज़ोर से नींद आ जाती है। मैडम जब भी लंच करती है तो सीधा लंच के वहाँ से बिस्तर पे आ जाती है। अगर किसी की भी क्षमता नहीं है 7 PM तक उसको उठाने की, तो फाइनली मैडम वही कर रही है। एंड उसके सिस्टर को देखो बाहर बैठ के क्या देख रहे। थोड़ा बाहर बहुत सुंदर हवा चल रही थी तो वो बाहर है, और मैडम जी खाट छोड़ के नहीं कहीं सोती, तो मैडम खाट पे ही है। कल पूरा दिन मैडम जी सोए सो के ही बिता दिया। तो अभी भैया आए हैं तो थोड़ा इसलिए उठे हैं, फिर भी मैडम सो जाएंगी। तो अभी भैया को गेट पे लाने के लिए आ गई दोनों। आज तो बहुत शांत था, लेकिन भैया आने से इतना शांत भी ये दोनों नहीं रहती। भैया को पहले गोद में उठती है भैया की, उसके बाद दोनों शांत होती है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही शांत थी। पता था इन लोगों को कि वीडियो हो रहा है, पब्लिक देखेगा, तो मैनर पे ही रहना चाहिए। देखो फिर मैडम खाट पे जाके सो गई, और इसको देखो ये कभी भी नहीं सोती, ये उसका पूरा उल्टा है। और देखो गुड्डू को, अभी मेरी गुड्डू क्या खा रहा है, खा रही है। और इस साइड को देखो, इसको अंगूर हाथ में लेके खाना पसंद है, तो ये भी एक हाथ से अंगूर को लिया है और खा रहा है। तो मैं सोचा चलो डॉल शपी के साथ इसका भी थोड़ा वीडियो शेयर कर लूँ। तो ये सारा फिर छोले नहीं खाते हैं, इस सर को सिर्फ फ्रूट पसंद है। फ्रूट मतलब एप्पल उतना भी ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन इसको अंगूर बहुत पसंद है। तो ये ज़्यादा अंगूर खाती है, या तो फिर गुड्डे बिस्कुट, कोई भी चाहे बिस्कुट दो उसको, वो खाएगी, लेकिन इसको छोले इतना पसंद नहीं है। और इसको देखो फिर सो गई, ये तो कल पूरा दिन सो सो के बिता दिया। तो देखो सो रही है ये अभी। अभी तक इन दोनों का डिनर नहीं हुआ है। आज बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, तो दोनों आराम से मज़े करके सो गया। नहीं तो गर्म में बहुत परेशानी होता है दोनों को। देखो कैसे बैठा है। अभी टाइम होगा रात का 9:30। तो फाइनली आ गए फिर डिनर करने। तो उसको पता है कि डिनर करने से पहले भी उसका मेडिसिन है, तो मेडिसिन के टाइम पे सोफी का भी डिस्टर्ब नहीं करता है। और डॉल को पता चल गया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसके, इसके लिए मेरी हाथों से मोबाइल लेने की कोशिश किया शायद। और देखो कैसे मेडिसिन ले रही है सोफी। डॉल को भी मेडिसिन खाना है तो उसको मुंह से खा लेती है वो। देखो उसको मेडिसिन नहीं खाने देगी, वो खा लेगी। अभी देखो फिर उसका मुंह से वो खा लेगा।
तो इस यहाँ पे मेडिसिन खा के ही सोफी एंड डॉन सीधा चला जाएगा किचन में। उसको पता है, सोफी को पता है मुझे मेडिसिन खाने के बाद डिनर करनी है या फिर लंच करनी है। एंड डॉल को पता है जब भी सोफी मेडिसिन खाती है तो उसके बाद उन लोगों का लंच मिलता है। तो अभी मैं सोफी का खाना तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सुबह नहीं खाया था तो वो भी मैं रख दिया था, तो अभी मैं उसका खाना तैयार कर रही हूँ उन दोनों का। तो हेलो, सिर्फ चिकन स्ट्रू से ही खाता है, तो मैं वही तैयार कर रही हूँ खाना देने के लिए इन लोगों को। तो इसमें जो चिकन था थोड़ा सोफी शाम को आके खा के चला गया, इसलिए चिकन थोड़ा कम गया था। क्या ना, डॉल राइस पूरा खा लेती है लेकिन सोफी कभी भी राइस नहीं खाती है, सिर्फ चिकन ही खाती है। तो इसलिए हम लोग उसको कुछ नहीं बोलते। और देखो अभी वेट कर रही है कब खाना मिलेगा इन दोनों को। वो भी है, वो कैमरे के बाहर है, उसको थोड़ा कैमरा में आना पसंद नहीं है। तो मैं दोनों का खाना डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है, दोनों का खाना का हिस्सा पूरा बराबर। और शोपी को देखो कैसे देख रहा है, किसको ज़्यादा दे रहा है, मुझे दे रहा है ना ज़्यादा दे दी, या तो फिर डॉल को दे दिया ज़्यादा। सोफी मन में ही मन यही सोच रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ दोनों का खाना लेके, और ये दोनों अभी खाएगी सॉरी। तो पहले मैं सोफी का दे दिया और अभी मैं जा रही हूँ डॉल का खाना लेने। डॉल ओट कर रही है, तो चलो हाँ डॉल का भी ले लिया खाना। तो मैं भी डॉल को भी खाना दे दिया, तो दोनों मज़े से खा रही है। और देखो सोफी खाने के बाद ही बिस्तर पे आके सो गई। तो गाइस चलो, इन दोनों का डेली रूटीन मैं शेयर कर दिया, अभी इन दोनों का सोने का टाइम है। तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप मुझे देख के बताना मेरी सोफी और डॉल की डेली रूटीन कैसा लगा आप लोगों को। और मुझे ये वीडियो करने के लिए तनया दी भाई ने बोली थी, तो दी भाई मैं आपकी रिक्वेस्ट रख दिया। तो देखो मेरी सोफी और डॉल का, तो गाइस और मैं इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि डॉल को थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, उसको पसंद नहीं है बाहर की दुनिया की लोग उसको देखे, तो बार बार जग जा रहा है। तो चलो गाइस मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो। तो और जिस जिस को मुझसे बात करनी है, मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में, उसका फॉलो करो। एंड ऊपर देखो आई बेल, जो आई बटन आपको देख रहा है वहाँ पे मेरी मम्मी का बर्थडे वाला स्पेशल जो वीडियो मैं बनाई थी उसका लिंक है। तो अब चाहते तो मुझे वो वीडियो देखो। एंड इधर देखो बहुत सारा वीडियो का लिंक है, तो जो आपको पसंद आए देख लो। एंड मुझे कमेंट करो, थोड़ा मैं गुड्डू को दिखा दूँ। ये देखो मेरी गुड्डू, ये भी सोने के मेरे मूड पे है। तो चलो मैं और इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी टाइम हुआ है रात का 11:30। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।